समझते हैं कि होशियारी बहुत है, समझते हैं कि होशियारी बहुत है, यही लोगों में बीमारी बहुत है, यही लोगों में बीमारी बहुत है। ये दुनिया तो डरामे की जगह है, सब में अदाकारी बहुत है, यहाँ सब में अदाकारी बहुत है। आदाब साथियों, मैं नुसरत अतीक गोरखपुर से हूँ। 7 फरवरी को मगहर महोत्सव में कवि सम्मेलन और मुशायरे में हाजिर हो रही हूँ। आप सबसे भी शिरकत की दरख्वास्त है। शुक्रिया। आप सभी को धीरेन्द्र पांडे ग्रुप की तरफ से हमारा नमस्कार। हम आ रहे हैं संत कबीर नगर में आयोजित होने वाले मगहर महोत्सव में 8 फरवरी समय 2 बजे से लोक नृत्य कार्यक्रम के साथ। हमारा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भारी संख्या में आए और हमारे लोक नृत्य कला का आनंद लें। इसके लिए हम सभी जिला प्रशासन तथा मगहर महोत्सव समिति का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया। तो आप सब आना मत भूलिएगा 8 फरवरी को समय 3 बजे से। नमस्कार। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रियांशु गजेंद्र ऐसी ही व्यंग्यात्मक गेय कविताएं लेकर के आगामी 7 फरवरी को मगहर में उपस्थित हो रहा हूँ। तो मगहर के आसपास अगर आप रहते हैं, आपके लिए सुविधाजनक है, तो आप कृपया पधार करके जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस सुंदर कवि सम्मेलन को और सुंदर बनाएं। तो हम सारे कवि हमारे साथ, देश के गणमान्य कवि और शायर उपस्थित हो रहे हैं। तो आपसे भी निवेदन है, अगर आप वहाँ रहते हैं आसपास, तो समय और सुविधा के अनुसार अवश्य पधारें। तो तारीख नोट कर लीजिए, 7 फरवरी को मगहर महोत्सव में मगहर। दरिया के बीच बैठ के कागज के नाव में, काका करत बा आदमी अपना बचाव में। नमस्कार, मैं मनोज भावुक आ रहा हूं संत कबीर नगर मगहर महोत्सव में। 7 फरवरी की शाम सजेगी कविता की महफिल। इस मगहर महोत्सव में आप सब भी अधिक से अधिक संख्या में पधारे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मैथिली ठाकुर। मैं आ रही हूं आपके अपने शहर संत कबीर नगर में 9 फरवरी को मकर महोत्सव में अपनी प्रस्तुति लेकर आप सभी के सामने परफॉर्म करने के लिए। काफ़ी एक्साइटेड हूं मैं। धन्यवाद देती हूं जिला प्रशासन का, जिन्होंने हमें बुलाया। तो आप सभी से मिलते हैं 9 फरवरी को आपके अपने शहर संत कबीर नगर में। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मनिका दुबे और अत्यंत खुशी का विषय है कि 7 फरवरी को मैं आ रही हूं आपके जनपद संत कबीर नगर में आयोजित होने वाले मगहर महोत्सव के कवि सम्मेलन में, जहां रहूंगी मैं और देश के अन्य नामचीन कवि। तो आप सभी जरूर आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया एक्सप्रेस समाचार चैनल से मैं अनन्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं एक नई खबर। डीएम व एसपी ने मगहर महोत्सव आयोजन के दृष्टिगत चल रही तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर लिया जायजा। संत कबीर नगर जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह व पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता द्वारा कबीर चौरा मगहर के प्रांगण में दिनांक 7 फरवरी से 9 फरवरी 2023 तक
आयोजित होने वाले मगहर महोत्सव आयोजन के दृष्टिगत चल रही तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान मगहर महोत्सव के सफल सुव्यवस्थित एवं भव्य आयोजन के संबंध में ड्यूटी पर लगाए गए विभिन्न विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर अजय कुमार त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी नवीन कुमार श्रीवास्तव, डीसी मनरेगा जिसान रिजवी, ओएसडी बलदाव शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि आगामी 7 फरवरी से 9 फरवरी 2023 तक मगहर महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों भव्य प्रस्तुत की जाएगी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में दिनांक 7 फरवरी 2023 को अपराह्न 1 बजे महोत्सव के उद्घाटन के उपरांत अपराह्न 3 बजे तक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत उद्बोधन वंदना एवं स्मारक विमोचन आदि का कार्यक्रम रखा गया है। अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक विद्यार्थियों द्वारा अन्य कार्यक्रमों की प्रस्तुत की जाएगी। अपराह्न 5 बजे से 5:45 बजे तक ब्रिज किशोर तिवारी एवं टीम द्वारा लोकगीत गायन तथा शाम 5:45 बजे रात्रि 6:45 बजे तक जादूगर राकेश श्रीवास्तव एवं टीम की प्रस्तुति की जाएगी। रात्रि 6:45 बजे से 8 बजे तक सूरज श्रीवास्तव द्वारा कारवा फाउंडेशन की प्रस्तुति, रात्रि 8 बजे से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं कुल हिंद मुशायरा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जाने माने कवि प्रियांशु गजेंद्र, रामकिशोर तिवारी, कलीम कैसर, मनीक दुबे, अजम साकरी, सबीना अदीब, भालचंद्र त्रिपाठी, मनोज कुमार भावुक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। दिनांक 8 फरवरी 2023 को पूर्वान्ह 11 बजे से 12 बजे तक एड्स एवं कोविड-19 पर जागरूकता कार्यक्रम की प्रस्तुति, अपराह्न 12 बजे से 1 बजे तक आपदा न्यूनीकरण हेतु जागरूकता मॉक ड्रिल, अपराह्न 1 बजे से 2 बजे तक कबीर चौरा के महंत विचारदास जी एवं अन्य संतों द्वारा सदगुरु कबीर से संबंधित निगुण, अपराह्न 2 बजे से शाम 3 बजे तक सरिता यादव द्वारा नाटक की प्रस्तुति, अपराह्न 3 बजे से 4 बजे तक धीरेन्द्र पांडे एवं टीम द्वारा कथक की प्रस्तुति, अपराह्न 4 बजे से 5:30 बजे तक सुचिता पांडे का लोक गायन, अपराह्न 5:30 बजे से 6:30 बजे तक अंशुमन महाराज बनारस घराना द्वारा सुगम संगीत की प्रस्तुति तथा रात्रि 6:30 बजे से 8 बजे तक कलाकार कमलेश उपाध्याय मुंबई द्वारा भजन गजल एवं निर्गुण गायन की प्रस्तुति तथा रात्रि 8 बजे से सुरेश कुशवाहा एवं पार्टी लखनऊ द्वारा लोक गायन एवं नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी। दिनांक 9 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में पूर्वान्ह 11 बजे से 2 बजे विभागीय प्रदर्शनी दौड़ कुश्ती का कार्यक्रम, अपराह्न 2 बजे से शाम 4 बजे तक राकेश उपाध्याय द्वारा लोकगीत, शाम 4 बजे से शाम 5:30 बजे तक गुलाम हसन एवं टीम द्वारा नाट्य प्रस्तुति, शाम 5:30 बजे से रात्रि 6:30 बजे तक हास्य कलाकार रविंद्र जानी एवं टीम मुंबई की प्रस्तुति, रात्रि 6:30 बजे से रात्रि 7:30 बजे तक लोक गायक पिंटू विश्वकर्मा एंड टीम की प्रस्तुति, रात्रि 8:30 बजे तक सुश्री मैथिलीम ठाकुर द्वारा सुगम संगीत लोक गायन की प्रस्तुति की जाएगी। इंडिया एक्सप्रेस से सुप्रिया श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।